इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे सीएम हाउस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने के लिए पहुंचे हैं कमलनाथ। कमलनाथ के साथ उनके पुत्र सांसद नकुलनाथ भी मौजूद है। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सीएम हाउस पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने पहुंचे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव। जी दीपा, बताएं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सीएम शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने सीएम हाउस पहुंचे हैं, क्या कुछ प्रक्रिया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मुलाकात है काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। जिस तरह से कल 28 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी को इतनी बड़ी जीत जो मिली है, जैसे आपको बताना चाहूंगी कि 11% ज्यादा वोटों से इस बार वो जो है वो जीते हैं, जिसको काफी ज्यादा बंपर जीत भी बताई जा रही है। जिसके बाद कल पूरे दिन ही अगर बीजेपी कार्यालय की बात करूं या पूरे प्रदेश भर में काफी ज्यादा सेलिब्रेशन किया गया। वहीं अगर बात करूं मैं कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यालय में कल 1:30 बजे के बाद सीएम जो पूर्व सीएम कमलनाथ थे वो भी चले गए। उसके बाद कहीं ना कहीं सन्नाटा छाया हुआ था, जिसके बाद यही देखने के लिए मिल रहा था कि काफी ज्यादा निराशाजनक स्थिति जो है वो बन चुकी थी कांग्रेस कार्यालय में। लेकिन वहीं आज जो है सुबह ही कमलनाथ जी जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आज शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे हैं। उन्हें जो इतनी बड़ी बंपर जीत मिली है उसको लेकर बधाई देने के लिए वो पहुंचे हैं, जहां पर काफी ज्यादा इस मुलाकात के मायने भी लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको बताना चाहूंगी कि शिवराज सिंह चौहान जब उन्हें रिसीव करने आए, तो उन्होंने ये भी कहा कि आप हमेशा ही हमारे लिए सम्मानित रहेंगे, आपको हम हमेशा ही सम्मान देंगे। इस तरह की बात भी सुनने के लिए मिली है। जी दीपा, जैसा कि आपने बताया कि कमलनाथ के साथ उनके पुत्र नकुलनाथ भी पहुंचे हैं, तो इसके क्या कयास लगाए जा रहे हैं? नकुलनाथ जो है वो भी पूर्व सीएम के साथ में शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने जिस तरह जब कमलनाथ जी को और बुके देके उन्होंने उनका स्वागत किया, तब उन्होंने सामने से कहा कि नकुलनाथ जी मेरे साथ में आए हैं। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि छिंदवाड़ा के सांसद हैं नकुलनाथ, तो छिंदवाड़ा को लेकर जो काफी सारे कयास लगाए जा रहे हैं, विकास को लेकर भी काफी सारे मुद्दे हैं। छिंदवाड़ा को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से आगे योजनाएं बढ़ाई जाए, उन चीजों को लेकर भी ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। जिस तरह से कमलनाथ के साथ में नकुलनाथ उनके शिवराज सिंह चौहान के साथ में बैठे हुए थे, उन सभी की चर्चा हो रही थी, तो छिंदवाड़ा के विकास को लेकर भी ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। जी दीपा, दिग्विजय सिंह एक तरफ तो ट्वीट करके तंज कस रहे हैं और वही दूसरे ओर कमलनाथ शिवराज को बधाई देने पहुंचे हैं, तो इसे किस तरह से देखा जा रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगी कि कल जब सीएम का खुद बयान सामने आया, तो उनका भी यही कहना था कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को खुद भी ये लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, इन दोनों का 36 का आंकड़ा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो दिग्विजय सिंह का दिमाग है वो कहीं ना कहीं उससे पता नहीं कौन सा कंप्यूटर फिट है, जिसके कारण वो उस तरह के बयान देते हुए नजर आते हैं। वही कमलनाथ जो है उन्होंने कल रात को ही अपनी हार को स्वीकार किया था, ट्वीट करके उन्होंने ये बात कहा था कि जनता का जो भी फैसला है मैं उसका सम्मान करता हूँ। उसके बाद आज उन्होंने अपनी हार को स्वीकार करते हुए शिवराज सिंह के पास खुद गए हैं और जिस तरह से उन्होंने उनसे मिले हैं और उन्हें बधाई भी दी है और मुलाकात भी की है, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर देखिए तो दिग्विजय सिंह और पूर्व सीएम कमलनाथ जो है इनकी विचारधारा कितनी ज्यादा विपरीत है कि एक तरफ जहाँ दिग्विजय सिंह जो है वो लगातार आपत्तिजनक ट्वीट करते नजर आ रहे हैं, जिसे हास्यप्रद भी बताया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, वहीं दूसरी ओर कमलनाथ जो है काफी अच्छे तरीके से अपनी हार को स्वीकार करते हुए उन्हें बधाई देने भी पहुंचे हैं। जी दीपा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ।